brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। नमस्कार, आज मैं आपके सामने अपने देश के बारे में एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूँ जिसे सोशल मीडिया पर सरासर झूठ के साथ फैलाया जा रहा है। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद के बीच एक तथा कथित चीनी कॉम्युनिस्ट ने एक झूठा दावा किया है। चीनी कॉम्युनिस्ट जिसका नाम झोंगशिंग है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पे ये दावा किया है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने भारत के सुखोई एसयू 30 को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस ट्वीट को लगातार शेयर कर रहे हैं जिसमें लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, हमारी वायुसेना ने भारत के लड़ाकू विमान एसयू 30 को मार गिराया है। आप इस पोस्ट का आर्काइव वर्जन देख सकते हैं। हालांकि इस तरह की किसी घटना के बारे में ना तो भारत ने कोई बयान जारी किया है और ना ही चीन ने, और ना ही किसी विश्वसनीय मीडिया संस्थान ने कोई रिपोर्ट दी है। भारत सरकार के सूचना विभाग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम में ये जानकारी निकल के सामने आई कि ये ट्विटर हैंडल पूरी तरह से झूठा है। इस ट्विटर यूजर का डिटेल फॉरेंसिक जांच किया गया जो अपने बारे में दावा करता है कि वह अमेरिका में टेक्सास के चाइना ग्रोव में रहता है। हालांकि ये पाया गया कि इस शख्स के पाकिस्तान का होने की ज्यादा संभावना है जो भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाता है। हमें कई ऐसे संकेत मिले हैं जो ये इशारा करते हैं कि ये ट्विटर हैंडल पूरी तरीके से झूठा है और ये व्यक्ति अपनी लोकेशन को लेकर भी काफी झूठ बोल रहा है। आइए अब आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो इस व्यक्ति की और इस ट्विटर हैंडल की सच्चाई आपके सामने रख देंगी। इस ट्विटर हैंडल के बायो के मुताबिक ये व्यक्ति चीन का कॉलमिस्ट है जो कि चीनी व्यक्ति होने का दावा करता है। साथ ही ये खुद को चीन और पाकिस्तानी मामलों का जानकार भी बताता है, लेकिन इसके बायो सेक्शन में ही करंट अफेयर्स की गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। यहाँ तक कि सुखोई वाले ट्वीट में भी उसने फाइटर जेट को मार गिराने के लिए शटडाउन शब्द का इस्तेमाल किया है। ट्विटर बायो के मुताबिक ये ट्विटर प्रोफाइल शुक्रवार 20 मार्च 2020 को बनाई गई है। इससे 6 अक्टूबर तक सिर्फ 43 ट्वीट ही किए गए हैं, लेकिन असल में झोंगशिंग ने अपने ट्विटर हैंडल में जो प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल की है वह अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर फेंग वोंग की है। चीन का ये कथित समकार झोंगशिंग सिर्फ 6 वेरीफाइड ट्विटर हैंडल को फॉलो करता है। इनमें से ज्यादातर मीडिया संगठनों से संबंधित है। अजीब बात है कि ये व्यक्ति cns.cn को छोड़कर चीन से संबंधित किसी भी व्यक्ति या संगठन को फॉलो नहीं करता है। ये यूजर टेक्सास में रहने का दावा करता है, लेकिन अमेरिका के बारे में इसका एक भी ट्वीट नहीं है। इसके ज्यादातर ट्वीट पाकिस्तान या चीन के बारे में है। इस अकाउंट में सबसे ज्यादा बार हैशटैग पाकिस्तान और हैशटैग इमरान खान वॉइस ऑफ पीस जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। ट्वीट बायो के मुताबिक ये व्यक्ति टेक्सास अमेरिका के चाइना ग्रोव में रहने का दावा करता है, लेकिन जब हमने इस ट्विटर हैंडल के बारे में डिटेल में पता किया तो यह बात निकल कर सामने आई कि इसके ज्यादातर फॉलोअर्स की लोकेशन अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में भी इसके ज्यादातर फॉलोअर्स लाहौर या फिर कराची से हैं। अगर हम माने कि ये व्यक्ति टेक्सास में रहता है तो इसकी ज्यादातर सोशल मीडिया एक्टिविटी रात 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच होती है। ये टाइमिंग असंभव तो नहीं है, लेकिन अटपटी जरूर है। हालांकि इसकी टाइमिंग को पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो इसके ज्यादातर ट्वीट दिन के 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच है। इससे ये भी पता चलता है कि ये व्यक्ति अमेरिका में रहने का दावा तो करता है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान में रहता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर भारत को लेकर फैल रही झूठी जानकारी या फिर झूठी न्यूज को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए दुनिया तक।